साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर को इस देश के सभी लोग महात्मा गांधी के जन्मदिवस के रूप में याद करते हैं। काफी लोग ये भी याद करते हैं कि ये जय किसान जय जवान जय किसान वाले लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि क्या आज से 20 साल बाद, आज से 25 साल बाद, आज से 50 साल बाद क्या लोग इसे एक तीसरे कारण के लिए भी याद रखेंगे कि ये वो दिन था जब स्वराज इंडिया करके कुछ सरफिरे सर पे पीला पटका बांध के इस देश में वो करने चले थे जिसे सब लोग असंभव मानते थे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। क्या इसके लिए याद किया जाएगा? मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या हम खुद ये संकल्प ले सकते हैं कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे इस देश में कि आज से 50 साल बाद 2 अक्टूबर को इस तीसरे कारण से भी याद किया जाए? इस पर मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करके बताइए। जीतेंगे। साथियों, आज से 1 बरस पहले 2 अक्टूबर हमारे लिए एक और छोटे कारण से महत्वपूर्ण थी। पिछले साल 2 अक्टूबर को इस देश में सूखा पड़ चुका था। किसी को पता नहीं था, किसी को परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ स्वराज अभियान और जय किसान आंदोलन के कुछ साथियों को थी। 2 अक्टूबर को कर्नाटका के यादगीर जिले से हमने एक संवेदना यात्रा शुरू की थी इस देश को याद दिलाने के लिए कि सूखा है, इस देश के लाखों लोग आजीविका के लिए त्रस्त हैं। जैसा प्रशांत जी ने बताया, इस देश के करोड़ों घरों में चिराग नहीं जल रहा है। हमने इस मुद्दे को उठाया देश के सामने। 14 दिन तक हमारे साथी किसी शहर में नहीं गए, गांव गांव हमने यात्रा की, उसकी रिपोर्ट देश के सामने रखी, किसी ने नहीं पढ़ी। असर नहीं पड़ा तब, लेकिन अचानक 8-9-6 महीने बाद देश को याद आ गया, अरे सूखा पड़ा हुआ था। तब देश के लोग घूम के पलटने लगे। हमारे मीडिया के लोगों ने पूछा, अरे योगेंद्र तुम कह तो रहे थे वो सूखे वाली यात्रा क्या थी यार, 6 महीना पहले तुम कुछ कर रहे थे। स्वराज अभियान ने सूखे को इस देश के अंदर एक मुद्दा बनाया और इस देश की सबसे बड़ी अदालत में प्रशांत भूषण जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक मुकदमा लड़ा गया और वो मुकदमा इस देश के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज सुबह जब मैं यहां से आ रहा था तो मुझे खबर आई कर्नाटका के रायचूर के हमारे एक दोस्त से। 2 अक्टूबर को वो हमारे इस अभियान में शामिल थे और उन्होंने बताया कि कर्नाटका के रायचूर में आज 5,000 महिलाएं, 5,000 मनरेगा में काम करने वाली मजदूर महिलाएं शराबबंदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन निकाल रही हैं। हमारे लिए ये भी एक महत्वपूर्ण घड़ी है। दोस्तों, पिछले 1 साल का हमारा जो संकल्प रहा है, जो हमारी यात्रा रही है, उसके कई बिंदु हैं। सूखा एक बिंदु है जिसकी मैंने बात की। इससे पहले हमने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, पंजाब से लेकर दिल्ली तक आए थे। भूमि अधिग्रहण के सवाल पे नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले दरवाजे से जो किसानों की भूमि छीनने की कोशिश कर रही थी उसके खिलाफ 10 अगस्त को हमने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की। मैं ये नहीं कहता कि केवल हमारी रैली की वजह से वो अध्यादेश रुक गया, लेकिन सच ये है कि उसके 10-12 दिन बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि नहीं, हम ये अध्यादेश नहीं लाएंगे।
भूमि अधिग्रहण के सवाल पे हम लड़े, सूखे के सवाल पे हम लड़े, इस देश के आम लोगों का करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का गबन जो बैंक के जरिए हो रहा है, जिसको बैंक के एनपीए के रूप में कहा जाता है, उसका अगर पहली बार कोई व्यवस्थित रूप से खुलासा हुआ था तो वो स्वराज अभियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत भूषण ने किया था, जिसको आज पूरे देश में देश के कोई 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों में डूबा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जेब में है, ये काम स्वराज अभियान ने किया। जब हरियाणा में वैमनस्य हुआ, दंगे हुए, एक ही प्रदेश के लोग भाई भाई एक दूसरे से लड़ पड़े और सारी पार्टियां इस देश की ऐसे बैठ गई जैसे उनको सांप सूंघ गया है या एक दूसरे को लड़ाने में लग गई, उस वक्त स्वराज अभियान और उसके सहयोगी मिलके हरियाणा के गांव गांव में गए, दोनों पक्षों से मिले, दोनों को जोड़ने के लिए एक मंच स्थापित किया। लोगों ने हमें कहा, अरे यादव जी हम तो जाट हैं, आप हमारे घर आए हो। हमने कहा भला इंसान हो आपके घर आए, आपके घर एक बेटा मरा इसलिए आपके घर आए हैं। आज इस देश में राजनीति का न्यूनतम संस्कार स्वराज अभियान ने पैदा किया। जब कावेरी या तमिलनाडु में विवाद होता है, कर्नाटका की कांग्रेस एक स्टेटमेंट देती है, तमिलनाडु की कांग्रेस दूसरा स्टेटमेंट देती है। जब पंजाब और हरियाणा में पानी का विवाद होता है, पंजाब की बीजेपी एक बात बोलती है, हरियाणा की बीजेपी बिल्कुल उल्टी बात बोलती है। कांग्रेस के बारे में भी यह है, सिर्फ स्वराज अभियान एक संगठन था, हो सकता है एक दो और, भाई मैं ये नहीं कह सकता केवल, लेकिन कम से कम मेरी निगाह में स्वराज अभियान एक संगठन था जिसके कर्नाटका और तमिलनाडु के साथियों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया कि किसानों के साथ धोखा बंद कर दो। पंजाब और हरियाणा की यूनिट ने मिलकर स्टेटमेंट दिया कि पानी के सवाल के ऊपर ठगाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसान मिलकर एक रास्ता निकालेंगे। आज इस देश में देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और सारी देशभक्ति कुछ नारे निकालने में लग जाती है, किसने किसको क्या कहा, यह देशभक्ति हो जाती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों, सच्ची देशभक्ति वो है जब आपके देश में अन्याय हो, शोषण हो, लोग मारे जा रहे हो, लड़ाए जा रहे हो, भड़काए जा रहे हो, उनके बीच में जाके जब आप हाथ जोड़ के बोलते हो, अरे हम सब तो एक देश के लोग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे भाई, ये सच्ची देशभक्ति है। स्वराज अभियान ने ऐसे सवाल उठाए। दिल्ली में जब लोकपाल के सवाल पे हुआ तो हमें बाहर आना पड़ा। आप में से कई दोस्तों को याद होगा, जब गुड़गांव में हमारा संवाद हुआ था आज से 1.25 साल पहले, मैंने हाथ जोड़ के सबसे एक बात कही थी कि दोस्तों हम स्वराज अभियान वालों का काम सारा वक्त आम आदमी पार्टी की आलोचना करना नहीं है। मैंने एक मिसाल भी दी थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था ये देश बहुत बड़े मैदान की तरह है, इस मैदान में एक छोटा सा रुमाल बिछाया गया है, हमें पता है रुमाल गंदा है, उसमें छेद है, लेकिन हमने अपना सारा समय उस रुमाल के ऊपर खड़े होकर उसके छेद नहीं दिखाने, हमें सारे मुल्क में काम करना है, वो हमने किया। लेकिन जब वो दाग और छेद दिखाने का वक्त आया, मजबूरी आई, तो वो भी हमने किया। जब जनलोकपाल के सवाल पे दिल्ली की जनता से धोखा हुआ तो खुद के सामने आए हमारे साथी प्रशांत भूषण ने चुनौती दी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा कि बाहर आओ, बहस करने के लिए तैयार हो तो आओ, हम सड़क पे उतरे। शराब के सवाल पे जब दिल्ली के साथ धोखा हुआ, वो सरकार जो ये कह के आई थी कि हम नशा बंदी करेंगे दिल्ली में, हम नशाखोरी को कम करेंगे, दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे, उस सरकार ने आके जब 399 ठेके नए खोल दिए तो स्वराज अभियान उतरा उसके सामने। प्रशांत जी ने जगह जगह पे जाके पब्लिक हेयरिंग की,
और मैं शांति भूषण जी को आश्वासन देना चाहता हूं, सर आपने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली के लोग याद रखेंगे। मैं आपको सिर्फ यही आश्वासन देना चाहता हूं सर, अभी तो हमने एजिटेशन 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था चिकनगुनिया और डेंगू की वजह से। हमारे दिल्ली के साथी तो इंतजार कर रहे हैं कि इस शराब के ठेके वाले मामले को पार्किंग परमिट तक लेके जाएंगे, इसको और आगे लेके जाएंगे। और जब सारे देश में लोग अखबार पढ़ के अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये शहाबुद्दीन जैसे अपराधी इस देश में छुट्टे घूम रहे हैं, हाईकोर्ट से बेल लेने घूम रहे हैं, क्या न्याय व्यवस्था इस देश में, कोई कानून व्यवस्था है भी या नहीं, कोई नहीं बोल रहा था। याद होगा दोस्तों, बिहार सरकार कुछ नहीं बोल रही थी तब आपके स्वराज अभियान का सिपाही खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं इसको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा। हमारे स्वराज अभियान के बिहार के साथी जाके मिल के आए उस बुरे बाप से जिसने अपने 3 बच्चे खोए। उसने बताया कि बेटा जब दुनिया से सारी उम्मीद हट गई थी तब मेरी प्रशांत भूषण से बात हुई, इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया था जिसका शांति भूषण जी हवाला दे रहे थे, जिसका कोई नहीं उसका प्रशांत भूषण। दोस्तों पिछले 1.5 साल में हमने ये सब किया, इनमें से कई चीज बिना पार्टी बनाए की जा सकती है और बेहद जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, आज जबकि हम एक पार्टी की विधिवत स्थापना कर रहे हैं उस वक्त भी कहूंगा, ये चुनावी राजनीति ऐसी चीज है जिसमें अगर आप एक पांव नहीं दोगे तो आप देश में कुछ बड़ा बदलाव कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर दोनों पांव दे दोगे तो फिसल जाओगे। स्वराज अभियान की तरफ से पहले दिन से हमने कहा है इसमें एक पांव देंगे, तैयारी करके देंगे, लेकिन एक पांव देंगे, दोनों पांव नहीं देंगे। इसमें हमें संघर्ष का काम जारी रखना है, विचार निर्माण का काम जारी रखना है, हमें संकल्प बनाना है, हमें इस देश में बुनियादी और दीर्घकालिक परिवर्तन की तैयारी करनी है, और वो सिर्फ चुनावी राजनीति से नहीं हो सकती, हम दोनों काम करेंगे। तो आज हम पार्टी क्यों बना रहे हैं, मेरे पास सिर्फ एक जवाब है और मैं इसे इतनी शिद्दत से महसूस करता हूं, हर दिन सोते जागते महसूस करता हूं, आज इस देश के जो बुनियादी स्तंभ हैं, इंडियन रिपब्लिक के जो बेसिक पिलर्स हैं, आज उन पे हमला हो रहा है। आज खतरा सिर्फ एक पार्टी या दूसरी पार्टी को नहीं है, आज खतरा सिर्फ एक समुदाय या दूसरे समुदाय को नहीं है। बात होती है दलितों पे उत्पीड़न बढ़ने की, वो सच है, बात होती है मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में आक्रामक प्रचार की, वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं ये खतरा, ये हमला सिर्फ दलित पे नहीं है, ये हमला सिर्फ मुसलमान पे नहीं है, ये हमला भारत पे है, भारत के विचार पे है, ये इंडिया पे हमला है। आज हिंदुस्तान के जो बेसिक पिलर्स हैं, हमारे संविधान के जो मूल मान्यताएं हैं, आज उन पर इतना बड़ा हमला हो रहा है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। और आज इस देश में एक भी ऐसी राजनीतिक ताकत नहीं है जो इस हमले का सकारात्मक प्रतिकार कर सके। कहने को ऑपोजिशन है, कांग्रेस है, हर दूसरे चौथे दिन एक स्टेटमेंट भी दे देती है, मजबूरी है, विपक्ष में बैठे हैं, कुछ तो बोलना ही होगा। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पक्ष में आर्थिक नीति बनाने में कांग्रेस और बीजेपी में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं ये वाला रेजोल्यूशन लेके आऊंगा, तुम उसका विरोध करोगे, और जब तुम पावर में आओगे तो तुम उसी रेजोल्यूशन को और चाशनी चढ़ा के लेके आओगे, कहोगे कि और ज्यादा तेजी से करना चाहिए, तब मैं विरोध करूंगा इसका।
केवल ये अंतर है और कोई अंतर नहीं। कहते हैं सेकुलरिज्म को अंतर है, मुझे तो उसमें भी नहीं लगता। एक पार्टी इस देश में अल्पसंख्यकों मुसलमानों के खिलाफ धारणाएं भड़का के वोट की राजनीति करना चाहती है, सबसे बड़ी वोट बैंक की राजनीति तो वो है। देश के 14% के खिलाफ बाकी 86% को इकट्ठा करना सबसे बड़ी वोट बैंक तो वो है, वो करते हैं। लेकिन उसका विरोध करने वाले जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, ये भी सच्ची सेकुलरिज्म की राजनीति नहीं करते हैं। ये केवल मुसलमानों को बंधक बनाए रखने की राजनीति करते हैं। सेकुलरिज्म इस देश का जो सबसे पवित्र सिद्धांत है उसको इस देश के सबसे बड़े ढकोसले में बदल दिया इस देश की सेकुलर राजनीति ने। आज हमें उसके लिए एक विकल्प की जरूरत है, उसका कोई विकल्प नहीं। तो दोस्तों, आज इस देश के सामने जो संकट है, इस देश का जो बुनियादी संकट है, आज जो आइडिया ऑफ इंडिया को जो चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना करने वाली, उस चैलेंज का आधार तो आज की रूलिंग पार्टी है, उसका विरोध कांग्रेस कर नहीं सकती। और ये जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, अपने आप को पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं, कोई समाजवादी कह लेता है, कोई अपने आप को कुछ भी कह लेता है। सच बात ये है कि ये तो नीति विहीन संगठन और पार्टियां हैं, इनकी कोई नीति नहीं है। बस शिवपाल सिंह किसकी अपॉइंटमेंट करवाएंगे, किसका ट्रांसफर करवाएंगे, किसमें बारे न्याय होंगे, बस यही नीति है, इससे फालतू कोई नीति नहीं। अरे तमाम क्षेत्रीय दलों की स्थिति है, कोई आर्थिक नीति नहीं, कोई विदेश नीति नहीं, देश के लिए कोई दर्शन नहीं, देश के लिए कोई नया विचार नहीं। एक जमाने में क्रांतिकारी कहलाने वाली पार्टियां, आज उनका भी पराभव हो रहा है। वो आज धीमे धीमे समाप्त हो रही हैं, इतिहास की गर्त में जा रही हैं। और आज से 4 साल पहले देश के लिए उम्मीद बन के उठी आम आदमी पार्टी, आज तो शर्म आती है। प्रशांत जी ने घंटा भर पहले कहा था कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई वहां पे। सच कहो, आज तो शर्म आती है जब हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई खबर आ जाती है। उनमें से कई खबरें झूठी होती हैं, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। रोज मेरे पास पत्रकार साथी आ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी के फलां एमएलए के खिलाफ ही है, फलां उसके खिलाफ ही है। और उन्हें हैरानी होती है जब मैं कहता हूं ना, मेरे ख्याल से तो बनाई हुई बात है, ये तो झूठी चीज है, ये तो दिल्ली पुलिस जबरदस्ती बना रही है, ये तो झूठा केस है। लेकिन जो सच्चे हैं उनका क्या करें? ये जो 6 में से 4 मंत्रियों के साथ हुआ उसका क्या करें? उससे कोई कैसे इनकार करेगा? जो इस देश के सामने राजनीति की बीमारी को का इलाज करने आया था, वो आज उस बीमारी का सबसे बड़ा मरीज बन चुका है। ये बहुत शर्म की बात है, मुझे बहुत दुख होता है। कई बार झेप होती है, उसकी वजह से सिर्फ एक पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। मेरे सब साथी जानते हैं, हम आज भी जब जनता के बीच में जाते हैं, लोग कहते हैं भाई साहब बात तो अच्छी करते हो, लेकिन एक और आदमी था जो बड़ी अच्छी बातें किया करता था, अब कैसे भरोसा कर लें जी? बातें तो वो भी बड़ी मीठी करते थे जी, सच्चाई ईमानदारी ये तो सब शब्द उन्होंने खर्च कर दिए जी, अब क्या बचा है जी? आम आदमी पार्टी ने केवल अपने साथ अन्याय नहीं किया, आम आदमी पार्टी का अपराध सिर्फ ये नहीं कि उसने कुछ झूठ बोला, उसने इस देश के करोड़ों लोगों की आशाओं के साथ धोखा किया। और आज वो सब लोग बैठ के सोचते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता, और उनमें से आधे चौथाई लोग, मैं आप जितनी भी कोशिश कर लें, वो घर बैठ गए हैं, भैया बहुत कुछ देख लिया और कुछ हो नहीं सकता। इस संदर्भ में आज हम स्वराज इंडिया का सपना लेके आ रहे हैं। ये कोई आसान समय नहीं है, देश के सामने संकट है, विकल्पहीनता का संकट है, विकल्प का शून्य है। और वो सुंदर शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी खर्च कर किए जा चुके हैं। ऐसे में जाके हमें एक नया विकल्प स्थापित करना है, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं अपने इस अनुभव से दोस्तों,
पिछले साल डेढ़ साल में जहां जहां जाने का मौका मिला, चाहे सूखे के दौरान, सामान्य यात्राओं में, दिल्ली में अलग अलग जगह पे, जहां जहां जाने का मौका मिला, पहले 5 मिनट तो लोग कहते हैं उनके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या विचार हैं, जो सुनने पड़ते हैं सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनमें से कम आधे लोग हाथ पकड़ के कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब, आप आगे बढ़ो, हिम्मत करो, आप लोग कुछ अच्छा करो। आज भी इस देश में जज्बा है, इस देश ने सच्चाई और ईमानदारी के लिए संघर्ष करने का जो जज्बा है, जो संकल्प है, वो छोड़ा नहीं है। मेरे जैसे लोग जिनके बाल सफेद होने शुरू होते हैं, वो आसानी से कह देते हैं ये जो यंग एज है, यंग जनरेशन है, आजकल ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, ये बात सच नहीं है। कुछ दोस्त शायद यहां बैठे हैं, खड़े होंगे, पिछले साल डेढ़ साल में जितने आइडियलिस्ट यूथ हमारे पास आए, ये जो स्वराज अभियान के वॉलंटियर में गिनाना शुरू कर दो, इन सबको पता है कि हमारे पास न कुर्सी है न कल आ रही है। इन सबको पता है कि दूसरी दुकान में जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ के मैं अपने सामने देखता हूं, कितने नौजवानों को मैं देखता हूं, नवीनतियों को देखता हूं, आजकल यंग औरतों में जिस तरह की हिम्मत है, मेरे जमाने में तो मैं देखता नहीं था वैसी हिम्मत। आजकल के नौजवानों नवयुवतियों में आज भी आदर्शवाद की कमी नहीं है, आज भी सच्चाई के लिए लड़ने के जज्बे की कमी नहीं है, और कम से कम मुझे लगता है कि मेरी जनरेशन से ज्यादा जोखिम उठाने को वो लोग तैयार हैं। कमी कहां है? कमी हम में है। हम उन्हें विश्वास कैसे दिलाएं? दूध के जले हैं, अनुभव बुरा हुआ है या सुना है, वो विश्वास करना चाहते हैं, हम कैसे विश्वास दिलाएं? उस विश्वास के लिए हमारे साथियों ने कानून में कुछ काम किया है, गिरीश नंदगांवकर जी संयोग से जो अभी उठे हैं, मतानी कितने दिन बिना सोए इन्होंने बिताए हैं सब करने में, लेकिन मैं उदाहरण कहना चाहता हूं जो इन्होंने 20 मिनट पहले कही, अपनी साधारण अंग्रेजी में बताई आपको, मैं सिंपल पॉलिटिकल भाषा में बताता हूं, ये स्वराज इंडिया इस देश की पहली पार्टी है जो कह रही है कि हम आरटीआई को एक्सेप्ट करेंगे और आरटीआई को लागू करेंगे अपने, कोई पार्टी लागू नहीं करना चाहती। स्वराज इंडिया इस देश की पहली पार्टी है जो कह रही है कि एमएलए एमपी को गुलाम रखने वाला जो व्हिप वाला सिस्टम है, उसको नो कॉन्फिडेंस वोट को छोड़ के बाकी किसी चीज के अंदर हम इस्तेमाल उसका नहीं करेंगे। ये जो बंदा एक कोड़ा लेके सारे पार्टी के लीडर घूमते हैं, दिल्ली विधानसभा में तो पंकज पुष्कर भाई पे विप लगाया किस चीज के लिए, कि पंकज